हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आसमान से भरपूर पानी बरस रहा है, लेकिन मंडी शहर के लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हो चुके हैं। शहर के कुछ भागों में पिछले 3 दिन से तो कहीं 5 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कुछ लोग पैसे खर्च कर निजी टैंकर मंगवा कर गुजारा कर रहे हैं, तो अधिकतर लोग प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल बरसात के मौसम में शहर के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। पानी की सप्लाई ना आने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। तो सोर्स हमारा ही है, हम जो है नेचुरल पानी उसी से गुजारा कर रहे हैं। नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं है। ऐसा तो हमने पहली बार हुआ हमारे साथ मंडी में, तो 2-3 दिनों से जो पानी नहीं आ रहा है। पहले तो रेगुलर पानी आता था, बरसात हो जो मर्जी हो। पानी की समस्या 3-4-5 दिनों से हो रही है, तो जो पानी बीच में आया भी है थोड़ा बहुत, वो भी बिल्कुल मिट्टी वाला पानी। और विभाग पे फ़ोन करें तो वो भी वैसा ही बोलते हैं कि मैं अभी मिट्टी वाला पानी है। तो उस तरह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। और टैंक जैसे लोग मंगवा रहे हैं वहीं से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, या तो फिर बॉडी से ले लेते हैं, कुएं से ले लेते हैं पीने के लिए। घरों में तो बहुत मुश्किल हो रही है, पानी की टैंकियाँ खाली पड़ी हुई है। और अब क्या करें, अभी प्रशासन से ये, अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई, अभी से ये दिक्कत आ रही है, तो बाद में क्या होगा। तो हमें प्रशासन से यही है कि इसका कुछ समाधान निकाला जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को सुविधा दी जाए पानी की। मंडी में पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज 2 दिन हो गए बिल्कुल भी पानी नहीं आया। ये ठीक है कि जिनके मैदानी जगह है मकान, वो तो टैंकर मंगवा करके अपना टंकियाँ वगैरह भर लेते हैं, पर जिनके ऊपर मकान है वहाँ ना कोई सोर्स है पानी का, ना कहीं जा सकते हैं, तो कहाँ से लाएं पानी। बाजार से बोतलों से खरीद करके ले जाना पड़ता है। हैरानी इस बात की है कि पीछे आयुक्त महोदय ने मीटिंग बुलाई थी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की, कि बोलिए क्या क्या तैयारी है आपकी, बरसात आ रही है और बरसात आ रही है क्या क्या तैयारी है। अभी बरसात शुरू हुई कि पानी ठप हो गया, पता नहीं क्या आप वहाँ उनके सामने क्या कहा था उन्होंने कि हमारी ये तैयारी है। कम से कम अल्टरनेट तो रखना चाहिए था। पिछली बार भी फिर इनको फोन किया तो बोलते हैं कि काम चला हुआ है युद्ध स्तर पर और जल्दी ठीक हो जाएगा, हो गए 2 दिन पानी आ रही है। वहीं टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई कर रहे टैंकर चालक ने बताया कि वे रानीबाई से टैंकर में पानी ला रहे हैं, लेकिन पानी लाने में उन्हें 2-3 घंटे का समय लग रहा है। पानी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे को, तो 2 दिन हुए, 2 दिन से पानी ला रहा हूँ। और रानीबाई से लाते हैं, हम बोर किया हुआ पानी भी है, बोर किया हुआ भी लाते हैं। और ज़्यादा कर तो वैसे उनके टैंक भी बने हुए हैं, मगर पानी स्वच्छ पानी है वहाँ पर, रानीबाई के अलावा कहीं नहीं है पानी बढ़िया। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, अब टैंकर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब पानी भी नहीं इतना मिल रहा है। अब जो उनके पास है वही, बाकी अभी वो भी मना कर रहे हैं भाई अब नहीं होगा पानी का, ये सबसे ज़्यादा समस्या है। मैं भी दूसरा चक्कर लाया हूँ सुबह से, वहाँ पे भी 2-3 घंटे रुकना पड़ रहा है, 2500 लीटर का ही 1500। बता दें कि उहल और ब्यास नदी में गाद की मात्रा अधिक हो जाने के कारण सप्लाई बाधित हुई है। विभाग भी गाद की मात्रा कम होने का इंतजार कर रहा है। साथ ही ओहल नदी में बनाई गई परियोजना में ये समस्या पहली बार देखने को मिली है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि आखिर कब तक लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा और प्रशासन की ओर से समस्या को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।